टीकेआर एंड एसकेएन के बीच में जो नेक्स्ट सीपीएल का मुकाबला खेला जाएगा वहां पे निकोलस पुरन, जिनका फिलहाल सिलेक्शन 24% हो गया है, आज आपके लिए ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन होने वाले हैं। क्यों, विद प्रूफ हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्त, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, काइंडली हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। उसके बगल वाले बेल बटन को प्रेस करके ऑल पे करना बिल्कुल ना भूले। यहाँ पे ये वाला साइन पे अगर आप क्लिक करते हैं ना, आपको नीचे लेके जाएगा, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया हुआ है, इस नीले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे। दोस्तों मैच खेला जाएगा शाम के 7:30 बजे से इंडियन समय अनुसार, कहाँ पे, प्रोविडेंस स्टेडियम गुआना में। फाइनल अपडेट इस मैच का आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे जुड़ना लाजमी है, ठीक है। ओवरऑल इस वेन्यू पे 62 मैचेस आज तक T20 का खेला जा चुका है, ठीक है। एवरेज स्कोर बैट फर्स्ट 148 का है, सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 135 का। बात करेंगे इस वेन्यू पे दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस का, तो टीकेआर इस वेन्यू पे 9 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं और 6 हारे हैं। वही एसकेएन कल वाला मैच को मिला के 6 मैचेस खेले हैं, सिर्फ 1 जीता है और 5 हारा है, ठीक है ना। तो इस वेन्यू पे परफॉर्मेंस के चलते टीकेआर को आप थोड़ा सा फेवर कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस वेन्यू पे जब जब T20 मैचेस होते हैं दोनों टीम से कौन से प्लेयर अच्छे करते हैं। टीकेआर के तरफ से निकोलस पुरन, जो कि पहले गुआना अमेजोन वॉरियर्स के कैप्टन थे, ठीक है ना, 69 का एवरेज है इस वेन्यू पे, 12 इनिंग में 416 रन कर चुके हैं, सेकेंड हाइएस्ट रन स्कोरर है इस वेन्यू का, ठीक है। कायरन पोलार्ड 25 के एवरेज से रन करते हैं इस वेन्यू पे, 9 इनिंग में 181। सुनील नारायण 14 इनिंग में 19 विकेट निकाल चुके हैं। कायरन पोलार्ड का बॉलिंग से भी रिकॉर्ड है, बट वो अभी फिलहाल बॉलिंग नहीं डाल रहे, ठीक है। एसकेएन की तरफ से शेरफिन रदरफोर्ड, कल भी मैंने आपको बताया था इनको बैटिंग भी टॉप ऑर्डर में मिला था, बट ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रीसेंट फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, बट इस वेन्यू पे रिकॉर्ड इनका अच्छा है। आंद्रे फ्लेचर इस वेन्यू पे एवरेज सिर्फ 16 का है, 12 इनिंग में 143 किए हैं। डैरेन ब्रावो का इस वेन्यू पे एवरेज 18 का है, एबिन लुइस का 16 का, हालांकि पिछले मैच में काफ़ी अच्छे दिखे थे इस वेन्यू पे, जो कि कल वाला मैच हुआ था। ड्वेन ब्रावो 10 इनिंग में 13 विकेट निकाले हैं इस वेन्यू पे, राशिद खान 4 इनिंग में 5। अच्छा, अगर बात करेंगे रीसेंट मैचेस का जो कि इस वेन्यू पे खेला गया है, देखिए कल वाले दोनों मैचेस को अगर आप देखेंगे ना, तो एकदम रात वाला जो मैच हुआ वहाँ पे स्पिनर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट किए थे। वहाँ पे 12 विकेट स्पिनर्स को तो सिर्फ 3 विकेट पेसर्स को मिले थे, चेज नहीं हुआ था, 179 का टारगेट था, ठीक है। दोपहर वाला जो मैच हुआ था, मतलब वहाँ पे 156/3 और 120/10, मतलब यहाँ पे भी चेज नहीं हुआ। तो दोनों मैचेस जो CPL का इस वेन्यू पे खेला गया है इस साल, दोनों मैचेस में ही चेज नहीं हुआ है। सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट गिरे हैं, एंड यहाँ पे पेसर्स 7 विकेट निकाले थे दोपहर वाले मैच में, एंड स्पिनर्स 5 विकेट निकाले थे। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये पहला मुकाबला था इस वेन्यू पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा विकेट था, बट सेकेंड मैच से विकेट्स और भी ज़्यादा डिटोरिएट हो गया, ठीक है। उसके पहले बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़ के बीच में मैच हुआ था जुलाई इसी साल, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि अच्छे खासे तरीके से चेज हुए थे, पेसर्स 2 विकेट, स्पिनर्स 7 विकेट निकाले थे। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ वाले मैच में यहाँ पे चेज नहीं हुआ था, पेसर्स 9, यहाँ पे स्पिनर 1 विकेट, 218/3 ये भी चेज नहीं हुआ, पेसर्स 6 विकेट, स्पिनर 5 विकेट, 125/7 जो कि आसानी से चेज हुआ, पेसर्स 9 विकेट, स्पिनर 2 विकेट, 143/5 ये भी चेज हुआ, 156 चेज नहीं हुआ, 180/4 चेज नहीं हो पाया था। ओवरऑल पिछले 10 मैचेस को उठा के देखेंगे तो 6 मैचेस बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीता है और 4 मैचेस बैटिंग सेकंड मतलब चेजिंग साइड जीता है, ठीक है। तो हल्का सा फेवर इस साल के जो 2 मैचेस खेले गए हैं वहाँ पे भी बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम ही जीता है, तो हल्का सा फेवर अब बैटिंग फर्स्ट करने वाले टीम को कर सकते हैं, ठीक है। पेसर को फर्स्ट इनिंग में लास्ट 10 मैचेस में मिला है 27 विकेट, सेकेंड इनिंग में 28 विकेट, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट स्पिनर्स का देखेंगे, फर्स्ट इनिंग में 18 विकेट मिले हैं उनको, तो सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स ज़्यादा गेम में आते हैं, 26 विकेट मिले हैं।
अच्छा, इस वेन्यू पे टॉस बेस्ड एनालिसिस देखेंगे, मतलब कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा अच्छा करते हैं, कुछ प्लेयर्स सेकेंड इनिंग में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। टीकेआर की तरफ से कायरन पोलार्ड का इस वेन्यू पे देखेंगे, बैटिंग फर्स्ट करते हुए 6 रन, 58 रन, 36 रन, 2 रन, 8 रन, वे विकेट्स आप अवॉइड कीजिए क्योंकि अभी ये बॉलिंग नहीं डाल रहे, ठीक है। तो एक 58, एक 36 आया है बैटिंग फर्स्ट करते हुए, बैटिंग सेकेंड करते हुए इस वेन्यू पे एक 32 आया है, एक 26 नॉट आउट, एक 13। आंद्रे रसल का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि बॉलिंग से लगातार फ्लॉप गए हैं इस वेन्यू पे, जैसे कि आप देख सकते हैं 4 इनिंग है, 3 बार सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए, 1 बार फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हुए, चारों के चारों बार विकेटलेस गए हैं। हालांकि सेकेंड बैटिंग में एक 42 नॉट आउट का इनिंग आया है। सुनील नारायण बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं इस वेन्यू पे, आप देखेंगे सेकेंड बॉलिंग करते हुए सिर्फ 1 बार फ्लॉप गए हैं, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, कंटिन्यूअस विकेट लिए हैं, और फर्स्ट बॉलिंग करते हुए भी यहाँ पे 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, तो कंटिन्यूअसली विकेट्स में है। निकोलस पुरन का देखेंगे जिनका इस वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, स्पेशली जब सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हुए 54 नॉट आउट, 62 नॉट आउट, 74 नॉट आउट, बट फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए एक 37 आया है, एक 45, एक 61 भी आया है नॉट आउट, ठीक है, एक 12 नॉट आउट भी है, बाकी 2 से 3 इनिंग में फ्लॉप भी गए हैं। तो सेकेंड बैटिंग में आप गारंटी ले सकते हैं, फर्स्ट बैटिंग में अगर वो तरीके से खेलेंगे, ज़्यादा अटैक करने नहीं जाएंगे, ठीक है, अननेसेसरी, तो अच्छा कर सकते हैं इस वेन्यू पे, उनका रिकॉर्ड अच्छा है, उनका मेमोरीज अच्छा है, ठीक है। अकील हुसैन का इस वेन्यू पे डिसेंट रिकॉर्ड है, सेकेंड बॉलिंग करते हुए 1 बार 1 विकेट 1 बार 0, फर्स्ट बॉलिंग में 3 बार ही फ्लॉप गए हैं। कॉलिन मुनरो का एक 43 आया है फर्स्ट बैटिंग करते हुए, बाकी कुछ खास नहीं किए हैं, सेकेंड बैटिंग में कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। बाकी वेबस्टर 1 ही इनिंग खेले हैं, अली खान का यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे खेड़ी पियर भी हैं, बाकी नीचे जाएंगे थोड़ा सा, रावी रामपाल सेकेंड बॉलिंग करते हुए 1 बार 3 विकेट निकाले हैं, 2 बार फ्लॉप, फर्स्ट बॉलिंग में फ्लॉप गए हैं। स्केन के तरफ से कल भी मैंने आपको बताया था ड्वेन ब्रावो का इस वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, कल भी आपको 1 विकेट निकाल के दिए थे और 9 रन भी किए थे, ठीक है। एविन लुइस लास्ट मैच में 41 किए थे, हालांकि उसके पहले आप देखेंगे एक 39 आया था बैटिंग फर्स्ट करते हुए, बाकी सारे के सारे मोबाइल नंबर्स हैं, और सेकेंड बैटिंग में एक 35 नॉट आउट, कल 41 किए थे, तो सेकेंड बैटिंग में ये इस वेन्यू पे ठीक ठाक खेलते हैं, फर्स्ट बैटिंग करते हुए स्ट्रगल करते हैं। आंद्रे फ्लेचर का भी कल मैंने आपको बताया था कि कुछ खास नहीं किए हैं इस वेन्यू पे, फर्स्ट बैटिंग में 15, 19, 14, 17, यही इनके स्कोर्स हैं, बाकी सारे अंडर 10 हैं। सेकेंड बैटिंग में कल 20 किए थे, उसके पहले 23, 14, 8, 0, 12 आप देख सकते हैं। डैरेन ब्रावो पिछले मैच में 2 किए थे, उसके पहले परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, फर्स्ट बैटिंग करते हुए 42 नॉट आउट, एक 24 जरूर है, सेकेंड बैटिंग में 23, 27 है, बाकी कुछ खास नहीं किए हैं। शर्फिन रदरफोर्ड जिनका इस वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, स्पेशली सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हुए 45, 43, 30 था इसके पहले, कल 9 रन किए थे, नंबर 3 पे इनको बैटिंग करने का मौका मिला था, फिर भी कुछ खास नहीं कर पाए थे, जैसे कि मैंने बोला इनका रीसेंट फॉर्म एंड रिदम कुछ अच्छा नहीं चल रहा, बॉलिंग भी किए थे, 0 विकेट निकाले थे। शेल्डन कॉटरेल यहाँ पे सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हुए कल कुछ खास नहीं किए थे, हालांकि 4 ओवर कंप्लीट डाले थे और इकोनॉमिकल बॉलिंग किए थे, बट विकेट नहीं मिला था, ठीक है। रशीद खान कल विकेटलेस गए थे और 5 रन किए थे, बाकी ड्वेन प्रिटोरिया से भी नहीं है। ड्यूएल ब्रेविस कल सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हुए 21 किए थे, बाकी और कोई नहीं है खास, ठीक है। और हाँ, अकीला धनंजय जो कि कल 1 विकेट निकाले थे फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हुए, डुआन जेंसन भी 1 विकेट निकाले थे। बात करेंगे हेड टू हेड मैचेस के बारे में, तो ओवरऑल इन दोनों टीम्स के बीच में CPL हिस्ट्री में 18 मैचेस खेले गए हैं, 13 बार TKR जीता है, तो इस वेन्यू पे भी TKR का रिकॉर्ड बेहतर है। SKN के अगेंस्ट भी हेड टू हेड मैचेस में TKR ने ज़्यादा अच्छा किया है, लास्ट 5 मैचेस में तो कहर मचा के रखा है TKR ने, 4 मैचेस जीते हैं, ठीक है। इस वेन्यू पे भी जो एक हेड टू हेड मैच खेला गया था वहाँ पे भी TKR जीता था, ठीक है। तो रिसेंट कुछ हेड टू हेड मैचेस आप उठा के देखेंगे, 147 for 7, 150 for 6 TKR चेस करते हुए जीता था पिछले साल CPL में, जहाँ पे जोशुआ डिसिल्वा जो अभी नहीं खेल रहे हैं 50 किए थे, ड्वेन ब्रावो 25, रदरफोर्ड 25 किए थे, SKN के तरफ से जगसर 1 विकेट निकाले थे, डोमिनिक ड्रेक्स 1 विकेट निकाले थे, कायरन पोलार्ड नीचे आके 51 किए थे 22 बॉल्स पे, अली खान का 3 विकेट, रामपॉल एंड अकील हुसैन 1-1 विकेट निकाले थे। उसके पहले 159 for 7, 160 for 2 SKN चेस करते हुए जीता था। कॉलिन मुनरो बैटिंग फर्स्ट करते हुए 47 किए थे, नारायण 33 किए थे, पोलार्ड 15 रन 1 विकेट, यहाँ पे एविल लुइस 100 किए थे
हेड टू हेड मैचेस में चेस करते हुए, ठीक है, टीकेआर के अगेंस्ट। डोमिनिक ड्रेक्स बोलिंग फर्स्ट करते हुए 3 विकेट, जिनको अभी खिलाया नहीं जा रहा पता नहीं क्यों। जगसर 3 विकेट, कॉटरेल 1 विकेट, ठीक है। यहाँ पे और एक हेड टू हेड मैच देखेंगे जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए बिल्कुल स्कैन धराशाई हो गया 77 रन्स पे, और टीकेआर आसानी से चेस किया, जहाँ पे वेबस्टर टीकेआर के तरफ से टॉप ऑर्डर में 41 किए थे। सेफर्ड 16 रन, अकील हुसैन 2 विकेट, अली खान 1 विकेट, एंडरसन फिलिप 1 विकेट। और भी बॉलर्स थे जो कि अभी स्क्वाड का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। 174 for 4 जो कि चेस नहीं हो पाया था इसके एंड से, अकील हुसैन 1 विकेट, खैरी पियर 1 विकेट, जोशुआ डिसिल्वा 29 रन, डोमिनिक ड्रेक्स फिर से, शेल्डन कॉटरेल 1 विकेट। 125 for 7 जो कि चेस गया टीकेआर ने किया था, कॉटरेल 1 विकेट, पोलार्ड का नाम आपको फिर से दिख रहा है वाइल चेजिंग, सुनील नारायण 2 विकेट, अली खान 2 विकेट। तो हेड टू हेड मैचेस में टॉप परफॉर्मर्स कौन कौन रहे? कॉलिन मुनरो हेड टू हेड मैचेस में ठीक ठाक किए हैं, 31 के एवरेज से 13 इनिंग में 350 किए हैं। कैडन पोलार्ड 39 के एवरेज से 5 इनिंग में 158, 7 मैचेस में 5 इनिंग में बैटिंग आया है। तो हर मैच में बैटिंग आए ये जरूरी नहीं है क्योंकि नीचे खेलते हैं, ठीक है। अली खान 8 इनिंग में 14 विकेट निकाले हैं, सुनील नारायण 12 इनिंग में 14 विकेट, एंडरसन फिलिप 8 इनिंग में 7। इसके इनका तरफ से एविन लुइस हेड टू हेड मैचेस में ठीक ठाक किए हैं, 30 के एवरेज से 16 इनिंग में 456, डैरेन ब्रावो 14 इनिंग में 280, 23 के एवरेज से डोएन ब्रावो, 11 इनिंग में 164, 18 के एवरेज से डोएन ब्रावो का विकेट से भी है, 12 इनिंग में 20 विकेट निकाले हैं हेड टू हेड मैचेस में। तो बहुत अच्छा सीवीसी ऑप्शन बन जाते हैं स्पेशली अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हैं तो। शेल्डन कॉटरेल 12 इनिंग में 19 विकेट निकाले हैं हेड टू हेड मैचेस में, डोमिनिक ड्रेक्स 3 इनिंग में 6। अच्छा, टीकेआर का प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर डिस्कस करेंगे तो इनके तरफ से टैन वेबस्टर जो कि पिछले 2 मैचेस में बिल्कुल फ्लॉप गए हैं, उनके जगह नियोनाल्डो जूलियन को मौका दिया जा सकता है। निकोलस पुरन इनके तरफ से ओपनिंग करेंगे जो भी पिछले 2 मैचेस में कुछ खास नहीं किए हैं। ग्रैंड लीग के सीवीसी ऑप्शन क्यों बन सकते मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इनके सामने क्या किसी का मैचअप बन सकता है बात करेंगे, ठीक है। कॉलिन मुनरो नंबर 3 पे आएंगे, देखो यहां पे राइट हैंड बैट आओ, लेफ्ट हैंड बैट आओ, लेफ्ट हैंड बैट आओ, यहां पे नंबर 5 पे भी नारायण है लेफ्ट हैंड बैट आओ, तो टॉप 5 में 3 इनके तरफ से लेफ्ट हैंड बैटर्स है। तो ओपोनेंट टीम से कौन है? अकीला धनंजय जिनका मैचअप बन सकता है, सीधा सीधा राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है वो, ठीक है। टीम सेफर्ट विकेटकीपर बैटर नंबर 4 पे खेलेंगे, पिछले 2 मैचेस में काफी अच्छा किए हैं। इनका रोल तब ज्यादा बढ़ जाता है जब टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है, ठीक है। ये अटैक भी कर सकते हैं और इनिंग को अभी एंकर भी करना सीख गए हैं, पहले जब न्यूजीलैंड की तरफ से न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक लीग्स में खेलते थे वहां पे वो ज्यादा ओपनिंग करते थे, अटैक करते थे, अभी ये संभाल के खेल रहे हैं, इनिंग को बिल्ड भी कर रहे हैं एंड फिनिश भी कर रहे हैं जरूरत पड़ने पे। फिर सुनील नारायण का रिसेंट फॉर्म आप देख ही सकते हैं, बोथ विद बैट एंड बॉल रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन के सेफेस्ट ऑप्शन। कैडन पोलार्ड है, पिछले मैच में 34 किए थे, इनका बैटिंग ज़्यादा नहीं आ रहा क्योंकि बहुत नीचे आ रहे हैं। फिर आंद्रे रसेल एक आधा ओवर इनको मिलता है प्लस नीचे आके हिटिंग करेंगे, आप चाहो तो ले सकते हो बट इस वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है स्पेशली विद द बॉल, बैटिंग से ठीक ठाक कर लेते हैं। खेड़ी पियर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, डुपविलियन इनके तरफ से सेकेंड पेसर होने वाले हैं, फर्स्ट पेसर रवि रामपाल होंगे, अकील हुसैन इनके तरफ से सेकेंड मेन स्पिनर होंगे क्योंकि फर्स्ट मेन स्पिनर कौन है? सुनील नारायण, ठीक है। तो ये 4 बॉलर इनके तरफ से फिक्स्ड है, रामपाल, अकील हुसैन, डुपविलियन और सुनील नारायण। जो 5th बॉलर होंगे यहाँ पे खेड़ी पियर डाल सकते हैं आंद्रे रसेल के साथ, एंड यहाँ पे कुछ हद तक और कोई है क्या? नहीं, और कोई नहीं है, तो यही दोनों बॉलर शेयर करेंगे खेड़ी पियर के साथ आंद्रे रसेल, ठीक है। बेंच में आपको टेरेंस हिंड्स देखेंगे, अली खान हैं जो अगर आते हैं काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं हेड टू हेड मैचेस में, और इस वेन्यू पे भी ध्यान दीजिएगा ग्रैंड लीग के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिक्स है, ठीक है। जेडन सील्स यहाँ पे, शेरन लुइस, लियोनार्डो जूलियन जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं अगर वेबस्टर को रेस्ट दिया जाता है तो, थिक्सिना है यहाँ पे, सिकू के प्रसन्ना जिनको एक आधा मैचेस में मौका मिला था कुछ खास नहीं कर पाए थे, और एंडरसन फिलिप है जिनको कुछ मैचेस में मौका दिया गया था, रीसेंट मैचेस आप देख सकते हैं 0 विकेट 0 विकेट। बात करेंगे सेन किट्स एंड नेविस पेट्रॉइड्स के बारे में, तो इनके तरफ से टॉप ऑर्डर में एविल लुइस के साथ आंद्रे फ्लेचर बैटिंग करेंगे। फ्लेचर का इस जो टूर्नामेंट है काफ़ी अच्छा स्टार्ट रहा था बट पिछले 2 मैचेस में कुछ खास नहीं कर पाए हैं, 20 के ऊपर नहीं जा पाए हैं। एविल लुइस पिछले मैच में काफ़ी अच्छे टच में दिखे बट इस वेन्यू पे फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए कुछ खास नहीं किए हैं, सेकेंड बैटिंग में 3 में से 2 बार 30 अप गए हैं, ठीक है। तो सेकेंड बैटिंग अगर आज भी होता है एविल लुइस को ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। डैरेन ब्रावो है नंबर 3 पे, हालांकि ड्यूएल ब्रेविस को नंबर 3 पे भेजा जा सकता है क्योंकि सामने अगर आप देखेंगे तो सुनील नारायण होंगे राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, ठीक है ना। उनके सामने अगर ये यहाँ पे एविल लुइस है
ऑलरेडी एक लेफ्ट हैंड बैटर टॉप ऑर्डर में, अगर डैरेन ब्रावो को भी भेजा जाएगा तो मैचअप बन सकता है। तो उनका टीम क्या कर सकता है, डोएल ब्रेविस को नंबर 3 पे भेज सकते हैं। हालांकि पिछले मैच में उन्होंने कुछ अलग ही किया था, नीचे से बिल्कुल नंबर 5 से रदरफोर्ड को खींच के नंबर 3 पे भेज दिए थे। डैरेन ब्रावो, डोएल ब्रेविस नीचे आए थे, ठीक है ना। यहाँ पे केसी कार्टी है जो कि नंबर 6 पे खेलेंगे, डुवान जेंसन है जो कि पावर प्ले में ज़्यादातर डालते हैं, मिडिल ओवर्स में एक आधा ओवर डालते हैं। यहाँ पे अकेला धनंजय है जिनके बारे में बात कर रहा था, ये मिस्ट्री बॉलर है। एक्चुअली लेग ब्रेक नहीं है, ये ऑफ ब्रेक भी डालते हैं एंड कुछ हद तक लेग ब्रेक भी डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्वेन ब्रावो है, राइट हैंड बैटर, राइट आर्म मीडियम फास्ट, स्पेशली 14th, 16th, 18th and 20th ओवर ये डालते हैं डेथ ओवर्स में। रशीद खान नीड्स नो इंट्रोडक्शन एंड शेल्डन कॉटरेल जो कि ज़्यादातर पावर प्ले में एंड मिडिल ओवर्स में डालेंगे। बेंच में आपको आई नावेद दिखेंगे, जगसर दिखेंगे, केल्विन पिटमैन आपको दिखेंगे, डोमिनिक ड्रेक्स मैंने कल भी बोला था ये बंदा अगर फिट है इसको प्लेइंग इलेवन में लाना चाहिए, बट ये नहीं खिला रहे। फिर कारमाइकल है एंड जोशुआ डिसिल्वा। दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो में दिया गया इन्फॉर्मेशन आप अब तक पसंद कर रहे हो एंड मैच आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, हो सके तो एक आधा कॉमेंट भी छोड़ के जाइएगा, ठीक है। ओपनिंग पर कीपिंग देंगे सब कुछ पता है, आप ले सकते हो, बिल्कुल सेफ ऑप्शन होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट फिलहाल मैं निकोलस पुरन के साथ जाऊंगा जो कि 24% सिलेक्टेड है। यहाँ पे टीम सेफर्ट का भी सिलेक्शन बढ़ गया है क्योंकि पिछले दो मैचेस में जैसे कि मैंने बोला टीकेआर का टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। अगर टॉप ऑर्डर से ये जो दो बैटर्स हैं ये नहीं चलेंगे, नंबर 3 का बैटर नहीं चलेंगे तो नंबर 4 पे टीम सेफर्ड आ जाते हैं, उनका रोल ज़्यादा बेहतर हो जाता है, उनको ज़्यादा बॉल्स खेलने को मिलते हैं, फिर वो आराम से टाइम लेके अपने इनिंग को बिल्ड कर सकते हैं। जब बुरा बॉल मिला तो चौके छक्के भी मार सकते हैं, उन्होंने वैसा ही किया। प्लस विकेट कीपिंग भी टीम सेफर्ड करेंगे टीकेआर की तरफ से, निकोलस पुरन नहीं करेंगे। तो सेफ ऑप्शन फ्लेचर के साथ सेफर्ड ही होंगे, बट फिलहाल मैं निकोलस पुरन को लेके जाना चाहूँगा। अगर स्पेशली सेकेंड इनिंग में टीकेआर बैटिंग करते हैं तो और भी मैं यहां पे निकोलस पुरन को फेवर करूंगा, ध्यान दीजिएगा मेरे बातों पे, ठीक है। बैटिंग सेक्शन में डैरेन ब्रावो को आप ले सकते हो, फिलहाल मैं मुंड्रो के साथ गया हूं। रदरफोर्ड जो कि पिछले मैच में नंबर 3 पे खेले थे प्लस कुछ ओवर्स बॉलिंग भी किए थे, इस वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, हालांकि इनका रीसेंट फॉर्म बुरा चल रहा है, ठीक है। पिछला साल CPL या फिर उसके पहले CPL इनका जितना अच्छा गया था, इस साल CPL उतना ही ज़्यादा बुरा जा रहा है। पोलार्ड को अब ले सकते हो, गेम चेंजिंग पिक हो सकता है, बट फिलहाल के लिए मैं एविल लुइस के साथ गया हूं, जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, स्पेशली अगर सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हैं ज़्यादा बेहतर दिखते हैं इस पिच पे। फर्स्ट इनिंग में रिकॉर्ड उनका इस वेन्यू पे कुछ खास नहीं है। डेवल ब्रेविस को पिछले मैच में डिमोट किया गया था, जनरली ये नंबर 4 पे खेलते हैं। बाकी एल जूलियन को मौका दिया जा सकता है इस मैच में भी, फिलहाल मेरे 3 बैटर यही होंगे, आप चाहो तो रदरफोर्ड के साथ भी जा सकते हो। फिलहाल हम ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं, ब्रावो नारायण हमारे टीम में सीधे सीधे आएंगे, बाकी आंद्रे रसेल थर्ड ऑलराउंडर हमारे टीम में होंगे। यहाँ पे समित पटेल आ चुके हैं और उनको ऐड भी किया जा चुका है, अगर वो सीधे सीधे खेलते हैं हमारे टीम में होंगे ऐसे स्पिन फ्रेंडली विकेट पे, जहाँ पे ऐसे स्पिन ऑलराउंडर बहुत ही ज़्यादा काम में आ सकते हैं, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में चलेंगे, अकील हुसैन, अकीला धनंजय सीधे सीधे हमारे टीम में आ गए। रवि रामपाल स्पेशली अगर TKR बॉलिंग फर्स्ट करता है तो ही मैं इनको लूँगा, नहीं तो शायद से मैं इनको छोड़ के जा सकता हूँ, ठीक है। डुपविलियन इनसे ज़्यादा बेहतर लगे हैं मुझे, हालांकि एक आधा मैच में जो गुच्छे में विकेट निकाल के दिए है ना यहाँ पे रवि रामपाल, इसलिए ज़्यादा पॉइंट्स इनका दिखा रहा है, बट बॉलिंग ज़्यादा बेहतर डुपविलियन की हैं। रशीद खान को तो लेना ही है, ठीक है। शेल्डन कॉटरेल आपके लिए ग्रैंड लीग के पिक होंगे, कब, जब ये फर्स्ट इनिंग में डालेंगे, ठीक है। दोस्तों फिलहाल मेरा स्मॉल लीग का टीम कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बना है, कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन इस पर्टिकुलर टीम में सुनील नारायण जो कि नंबर 5 पे बैटिंग प्लस 4 ओवर कंप्लीट बॉलिंग और विकेट्स भी निकाल रहे हैं कंटिन्यूअसली, वो मेरे कैप्टन होंगे। वाइस कैप्टन अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ मैं DJ ब्रावो के साथ जाना चाहूँगा, नहीं तो रशीद खान तो सेफ ऑप्शन है ही, जो कि थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेंगे एंड 4 ओवर बॉलिंग भी आपको करके देंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अब आंद्रे रसेल को भी थोड़ा बहुत फेवर कर सकते हो एज अ वाइस कैप्टन, बट इस वेन्यू पे इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो आप अपने हिसाब से देख लो। मैं फिलहाल आंद्रे रसेल को उतना हाईली रेट नहीं कर रहा, अगर ये इस मैच में कुछ 4-5 विकेट निकाल के चले जाते हैं वो अलग बात है, बट रिकॉर्ड के हिसाब से मैं जा रहा हूँ और आंद्रे रसेल को मैं वाइस कैप्टन फिलहाल के लिए नहीं बना रहा, ठीक है। जैसा भी होगा फाइनल अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एकदम ऊपर पिन किया हुआ आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे YouTube चैनल का पार्ट बन जाइएगा।